जगदलपुर में शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट सेवाओं हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण से 24 शिक्षक शिक्षिकाएं को नवाजा गया है। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा स्थानीय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह विधायक जगदलपुर किरण देव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 24 शिक्षक शिक्षिकाओं को साल श्रीफल प्रशस्ति पत्र एवं नगद राशि प्रदान कर नवाजा गया। वहीं जिला में इस वर्ष सेवानिवृत्त हुए शिक्षक शिक्षिकाओं को साल श्रीफल भेंट कर सम्मानित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक किरण देव सहित महापौर सफीरा साहू तथा अन्य जनप्रतिनिधि और कलेक्टर विजय दयाराम के, सीओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे एवं जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक किरण देव ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक की भूमिका कुम्हार की तरह है, जो गीली मिट्टी को घड़े का आकार देता है, इसलिए गुरुजनों का सम्मान सदैव ही यथावत रहेगा। अपनी इस महती योगदान शिक्षा के दीप को जीवन पर्यंत प्रज्वलित कर दुनिया में प्रकाशमान बने रहे। उन्होंने बच्चों और देश के भविष्य निर्माण के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से अपने दायित्व का निर्वहन पूरी लगन और निष्ठा से करने का आग्रह किया। शिक्षक सम्मान समारोह में महापौर सफीरा साहू ने कहा, आज का दिन शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए सम्मान का दिन है। यदि विद्यार्थी अपने जीवन में उपलब्धि हासिल करता है तो उसका श्रेय शिक्षकों को जाता है और वे गर्व महसूस करते हैं। इस दौरान भारत स्काउट एवं गाइड के जिला मुख्य आयुक्त संजय पांडे तथा वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र पांडे ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए देश समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका उनके नैतिक दायित्व पर प्रकाश डाला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना 2047 तक विकसित भारत का संकल्प को पूरा करने में शिक्षकों से अनवरत समर्पित रहने की अपेक्षा की। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने अनुभव साझा किया। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकों सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रचार एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे।